अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद पूरा मनोरंजन जगत शॉक में तो है ही, साथ ही गुटबाजी और वंशवाद जैसे मुद्दों पर भी घिरा हुआ है। इसी बीच एक खबर मुंबई में दो दिन से चर्चा में है कि टीवी और फिल्मों की जानी मानी निर्देशक एकता कपूर और सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे मुंबई में सुशांत की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रही हैं। आइए जानते हैं इस वायरल खबर की सच्चाई क्या है। मंगलवार को अंकिता ने एकता के घर जाकर उनसे मुलाकात की। अंकिता के साथ पूरे समय उनके और सुशांत के करीबी मित्र और फिल्म निर्माता संदीप सिंह भी रहे। रविवार को सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या कर लेने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हिंदी सिनेमा के कलाकारों के बीच आपस में एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग उनकी मौत का जिम्मेदार इस इंडस्ट्री को ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग इसका बचाव कर रहे हैं। ऐसे माहौल में एकता और अंकिता मिलकर सुशांत के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित करें, ऐसी बात पर यकीन ना करने का कोई मतलब ही नहीं है। चर्चाएं तो मुंबई में यहां तक हैं कि इस सभा में शामिल होने के लिए संदेशे भेजे जा रहे हैं। दरअसल बीते मंगलवार को अंकिता लोखंडे फिल्म निर्माता संदीप सिंह और अपनी मां के साथ सुशांत के घर गई थी। वहां से सीधे ये लोग एकता कपूर के घर पहुंचे और इस सभा का आयोजन करने के बारे में चर्चा की। सुशांत के परिजन अपने घर पटना लौट गए हैं और अमेरिका में रहने वाली उनकी बड़ी बहन भी उन्हीं के साथ बिहार चली गई हैं। लेकिन सुशांत के लिए होने वाली सभा के लिए इन खबरों ने अंकिता लोखंडे को मेजबान बना दिया है। एकता कपूर के स्टाफ का इस बारे में कहना है कि प्रार्थना सभा का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन ये सभा कब और कहाँ होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अंकिता लोखंडे से भी इस बारे में संपर्क करने की कोशिश की गई। वहीं सुशांत सिंह के करीबी दोस्त रहे फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने कहा कि मुंबई में सुशांत के लिए किसी प्रार्थना सभा का आयोजन फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद की सारी विधियां सुशांत के पैतृक निवास बिहार में ही होंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।